हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये प्लांट जो आप देख रहे हैं, ये पत्थर चट्टा का प्लांट है। और ये देखिए किस तरीके से चपटे पॉट में ही कितने अच्छे से ये ग्रोथ किया हुआ है। और ये इसमें देखिए, इसमें फ्लावर भी आ चुके हैं, तो आप देख रहे हैं। तो ये प्लांट जो है बहुत ही हार्डी होता है। इस प्लांट को आप जिस भी मिट्टी में चाहे तो आप उगा सकते हैं, और इसकी एक लीफ से भी आप कई सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसकी लीफ कहीं टूट के गिरती है तो उसमें से प्लांट निकल आते हैं। और इस प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जानकार बताते हैं कि पथरी में अगर इसके पत्ती को इस्तेमाल किया जाए तो वो पथरी को गला करके और निकाल देता है। तो इस तरीके से भी इस प्लांट की बहुत ही वैल्यू होती है। और फ्रेंड्स, इस प्लांट को आप सिंपल मिट्टी हो, कोई भी मिट्टी हो, आप उसमें आसानी से लगा सकते हैं। और इसमें कम पानी दें या ज़्यादा पानी दें, उससे भी इसको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये प्लांट जो आप देख रहे हैं किस तरीके से इसकी जड़ें ऊपर आ गई हैं, लेकिन ये जिस तरीके से हुआ है इसलिए इस प्लांट को मैंने सीधा करने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि ये इतना सुंदर आकार ले चुका था कि मैंने इसे इसी तरीके से रहने दिया। और ये देखिए, आज ये फ्लावर भी इसमें निकल गए हैं। तो ये पत्तियाँ इसी तरीके से इसमें गिरी हुई थी, तो इसमें से प्लांट निकल आया और मैंने इसे इसी तरीके से छोड़ दिया। तो ये चपटा प्लांट होने की वजह से बहुत मिट्टी नहीं पाया, तो ये इस तरीके से ये टेढ़ा निकलने लगा। और ये देखिए आज ये प्लांट किस तरीके से हुआ है। और ये देखिए, ये भी एक पॉट में है, ये छोटे से पॉट में मैंने लगाया हुआ है। तो आप इस प्लांट को अपने गार्डन में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, और इसकी पत्तियाँ भी खूबसूरत लगती हैं। और ये बहुत सारे जब प्लांट इसमें निकल आते हैं तो ये जंगल के तरीके से बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्लांट आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं अपने गार्डन में, और इसे लगाना बहुत आसान होता है फ्रेंड्स। तो इसको लगाने के बाद ये टेंशन नहीं है कि ये इसमें पानी छूट जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा तो ये प्लांट सूख जाएगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ये प्लांट जो है सालों साल आपके गार्डन में यूं ही चलता रहेगा, और इसकी पत्तियों से बराबर आपके नए प्लांट भी ग्रोथ होती रहेगी। तो ये अगर एक बार आपने प्लांट इस प्लांट को अगर अपने गार्डन में लगा लिया तो ये प्लांट जल्दी ख़त्म नहीं होता है, और ऐसे ही सालों साल कईयों साल तक ये प्लांट आपके गार्डन में बना रहता है। और आप इस प्लांट को नए प्लांट तैयार करके और आप अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये है इस प्लांट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो हर घर में ये प्लांट होना भी चाहिए, क्योंकि कब किसको आवश्यकता पड़ जाए तो ये प्लांट ज़रूर लगाएं आप अपने घर में। और फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है आप सर्दी के मौसम में भी, इस समय ठंडियाँ चल रही हैं और तो भी आप देखिए थोड़ा सा पत्तियों में के कलर में थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, वरना ये प्लांट जो है अच्छे से चल रहा है इस ठंडी के मौसम में भी। और गर्मियों में भी ये प्लांट जो है बहुत अच्छे से चलता है, तो ये भी दिक्कत नहीं है कि ये कौन से मौसम में रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने अपने गार्डन में जब से ये प्लांट लगाया हुआ है मैंने इसे कभी सूखते हुए नहीं देखा है, और ये बराबर इसमें से नए प्लांट खुद ही नीचे से निकल करके और कई सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो ये भी दिक्कत नहीं है कि ये प्लांट लगाने के बाद सूख जाएगा। तो आप इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करें। तो फ्रेंड्स, ये था ये मेरा पत्थर चट्टा का प्लांट। और आपको इस पे मेरा वीडियो कैसा लगा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको आसानी से मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।